हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का फोटो एडिटिंग है 10K फॉलोअर्स फोटो एडिटिंग। अगर आप लोगों ने भी इस टाइप की एडिटिंग करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट एंड तक वॉच करिए। एंड आप लोगों ने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलिए आज की ये वीडियो को स्टार्ट करते। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये वाली बैकग्राउंड को डाउनलोड करना होगा एंड ओपन करना होगा पिक्सआर्ट के अंदर। एंड इसके बाद आप लोगों ने आना होगा आर्ट फोटो के ऊपर। सबसे पहले काम आप लोगों ने करना होगा एंड ये पर आप लोगों ने जो हमारा जो 10K का जो पीएनजी आप लोगों को मिलेगा तो इसको आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना होगा और इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों ने इसको स्काई के ऊपर इसको हल्का से एडजस्ट करके लगा दीजिए। और आप लोगों ने इसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी। देन आप लोगों ने डन करके यहाँ पर बैक आना होगा। ओके, देन इसके बाद आप लोगों ने फिर से आना होगा आर्ट फोटो के ऊपर एंड यहाँ पर आप लोगों ने आपका मॉडल को ऐसे ऐड करना होगा। तो गाइस, मैं मॉडल को बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया था। अगर आप लोगों को रिमूव करना आते तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों को नहीं करना आते तो रिमूव कोई बात नहीं। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दू, काली वीडियो बनाया था, तो जाकर आप लोगों ने वो वीडियो को एक बार देख लीजिए। ओके, ओके, तो मॉडल को मैंने इस टाइप का सेट कर दिया। तो आप लोगों ने कुछ टाइप का इसको सेट कर दीजिए। इसके बाद आप लोगों को आना होगा आर्ट फोटो के ऊपर फिर से एंड यहाँ पर आप लोगों ने एक शैडो को पीएनजी मिलेगा आप लोगों को, तो जाकर आप लोगों ने तो पीएनजी के ऊपर ऐड कर दीजिए। तो गाइस प्लीज सर गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस अभी तक अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आगे बहुत ही अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए आता रहूंगा, तो बहुत सारा प्लानिंग करके रखा हूँ आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं भी बहुत ही ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए नए नए कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो ये सब के करे हम शैडो वाले पीएनजी के ऊपर ऐड कर दियो, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड आप लोगों ने कुछ टाइप इसको आप लोगों ने नीचे इसको ऐड करना होगा। फाइन, देन ये पर आप लोग डन करके बैक आना होगा। तो इसके बाद आप लोगों ने आना होगा फिर से आर्ट फोटो के ऊपर एंड ये पर आप लोगों को मिलेगा कुछ पार्टिकल्स का पीएनजी आप लोगों को दे दूंगा, ये रहा पीएनजी। तो इसको आप लोगों ने ऐड कर दीजिए एंड इसको आप लोगों ने फुल बैकग्राउंड में ऐड करके यहाँ पर इरेज के अंदर आना होगा। अगर आपके फेस के ऊपर आ रहे तो आप लोगों ने इरेज के ऊपर आना होगा, तो नहीं आ रहे तो कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो इसको मैंने यहाँ पर इरेज कर दी हूँ एंड ये पर आप लोगों ने डन करके बैक आना होगा। ओके, तो इसके बाद आप लोगों ने आना होगा फिर से आर्ट फोटो के ऊपर एंड आप लोगों को एक बैलून का पीएनजी मिलेगा। ओके, तो बैलून वाले पीएनजी को ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड इसको आपने हाथ के ऊपर इसको सही तरीके से इसको एडजस्ट करके यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, देन आप लोगों ने यहाँ पर डन करके बैक आना होगा। तो फाइनली आप लोगों को एक लास्ट जो पीएनजी बचा हमारे एडिटिंग का, एक स्मोक का पीएनजी आप लोगों को मिलेगा, तो इसको ऐड करेंगे और इसका जो ब्लेंडिंग मोड को आप लोगों ने चेंज करके इसको रखेंगे स्क्रीन में रखेंगे एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों ने इसको नीचे इस टाइप का सेट करके डन करना होगा। ओके, तो आप लोगों ने देख सकते हो पिक्सआर्ट के अंदर से भी काम हो चुका है, बस आप लोगों को फोटो को करना होगा सेव एंड ओपन करना होगा हमारे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो लाइटरूम के अंदर ओपन करने के बाद फोटो को, तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑटो टूल को यूज करना होगा एंड इसके बाद कलर वाले टूल को रहना होगा, मिक्स वाले कलर पर रहना होगा। इसका रेड कलर को आप लोगों ने ह्यू को थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, ऑरेंज वाले कलर के ऊपर रहते अपने फेस को अकॉर्डिंग से आप लोगों ने फेस को सही तरीके से साइज करना होगा। फाइन, एंड आप लोगों ने यहाँ पर येलो कलर के ऊपर आना होगा, सचरस में थोड़ा सा प्लस करेंगे और इसका जो ह्यू को थोड़ा सा डाउन करेंगे। ओके, ब्लू वाले कलर के ऊपर आता है क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में बहुत ही ब्लू कलर है,
तो इसको आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फाइन, देन डन करके बैक करना होगा। तो इतने भी कोई एडिटिंग नहीं है लाइटरूम के अंदर, थोड़ा बहुत एडिटिंग करना होगा। टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्लैरिटी को आप लोग थोड़ा सा प्लस करेंगे, और इसका बिगनेट को आप लोग हल्का से डाउन कर दीजिए। तो मुझे ब्राइटनेस का थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने पर इसको थोड़ा सा प्लस कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने ट्राइंगल को बनाना होगा, शार्पिंग को बढ़ा दीजिए, और इसका नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा प्लस करके आप लोगों ने इसका कलर नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा प्लस कर दीजिए। और आप लोगों ने चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर ई बेल टूल को आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने पर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड के साथ साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है मॉडल यहाँ पर। तो आप लोगों ने देख सकते हो गाइस, बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा इसको रिडक्शन किया हो, तो बस आप लोगों ने फोटो को सेव कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करिए, एंड आप लोगों ने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर गाइस।